अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड वेलकम टू समर टीवी उर्दू। दोस्तों, एक और बयान अब सामने आ रहा है पाकिस्तान। यार मेरी हंसी नहीं रुक रही है एक चीज को देख के कि टिकटॉक पर जब वीडियो वायरल हो जाती है किसी की, इस तरह की वीडियो जो अपने हाथ से वो कुछ करती हैं या फिर कुछ इस तरह का अपना साथ से शो करवाती हैं लड़कियां टिकटॉक पर, तो जब इस तरह की कोई वीडियो वायरल हो जाती है, काफी ज्यादा लोग उसको देख रहे, तो फिर ये जो है वो अपने आप को शरीफ शो करके, अपने आप को जो है वो हाजिन साबित करके कोशिश करती हैं कि हम इस कंट्रोवर्सी से निकलने की कोशिश करें। जन्नत मिर्जा की एक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली दो तस्वीरों में देखा जाता है कि वो साफ तौर पर उन्होंने तस्वीरें खुद बनाई हैं, सेल्फियाँ ली हुई हैं, और अब जन्नत मिर्जा की जानिब से एक बयान जारी किया जा रहा है जिसमें वो कह रही हैं नहीं ये वीडियो एडिटिंग हुई हुई है, ये वीडियो एडिटिंग हुई हुई है, ये मैंने नहीं बनाई, ये किसी ने तस्वीर मेरी बना के फेसबुक पे अपलोड कर दी। तो भाई किसी ने एडिटिंग इस तरह से नहीं होती, एडिटिंग और जो आजकल जो दौर चल रहा है मैं आपको बता दूं कि उसमें साफ पता चल जाता है कि एडिटिंग कौन सी और रियल तस्वीर कौन सी है। कोई भी बंदा उसका फर्क छोटे से छोटा बच्चा भी उसको देखकर फर्क कर लेता है कि ये वीडियो रियल है या फिर ये एडिटिंग है। अब जन्नत मिर्जा कह रही है नहीं मैं तो ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं तो बड़ी शरीफ लड़की हूँ, मेरी तो फिल्म आ रही है, मेरी फिल्म आने की कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है ताकि मेरी फिल्म रिलीज ना हो, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। भाई इतनी तुम हो तो इस तरह की तस्वीरें बनाने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, अब लोग देख रहे हैं, लोग शेयर करेंगे चाहे वो सच है या झूठ है, लोगों ने तो उसको अपने तरीके से देखना है कि हाँ जी ये तस्वीरें इसकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उसमें आप अपने साथ से साफ शो करवा रही हैं और हर बंदा वो तस्वीर अब देख चुका है। और अब आप कह रही हैं कि नहीं ये जन्नत मिर्जा के इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर जब आप देखेंगे, वहां पर जाकर उनकी स्टोरी देखेंगे तो वहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, आप साथ स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि ये वीडियो तस्वीर बनाई गई है, ये फोटोशॉप की गई है, ये एडिट की गई है। तो एडिट की गई और ओरिजिनल तस्वीर में बड़ा फर्क होता है। अब जब जब ये मामला बन जाता है फिर बाद में ये आकर कहती हैं जी नहीं जी हम शरीफ हैं, हमने ये किया, हमने वो किया है और ये मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये तस्वीरें सारी इन्होंने खुद ही बनाई होती हैं और ये भी एक फेम हासिल करने का एक तरीका है कि इस तस्वीरों को लीक कर दिया जाए या फिर इन तस्वीरों को शेयर किया जाए आगे पीछे ताकि हमें और फेमस और पॉपुलरिटी मिल सके। मैं आपको बताता चलूँ कि मलाइका चीमा की एक वीडियो वायरल हुई थी, वीडियो वायरल होने से पहले उनके 4 लाख फॉलोअर्स थे और जैसे ही वीडियो वायरल हुई उनके फॉलोअर्स जो तकरीबन 7 लाख 3 लाख फॉलोअर्स उनके खाली एक वीडियो वायरल होने के बाद जो कि अब शो हो रहे हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मकसद यही होता है कि टिकटॉक का फैसला भी होना बाकी है, चल रहा है केस, तो उम्मीद है कि एक दो दिन में फैसला हो जाएगा और ये बैन हो जाएगी। तो आप इस बारे में क्या राय है कमेंट में कीमती राय से जरूर लगा कीजिए। मिलेंगे आपसे जल्दी नई वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।